खालदुल शहन सारी सेना के शहीद मारे गए, जिनको नारायण के अति कोई नहीं मार सकता था। फिर वे एक साधारण मनुष्य के द्वारा मारे गए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नारायण ने अवतार ले लिया हो? यदि प्रेम नहीं तो बैल सही, वे लग्न मजाक आएगी। नारायण मैं मन लग्न से अब मुक्ति मुझे मिल जाएगी। रख पैर भाव जब हृदय का शक नहीं, भैसे पाया छुटकारा था। सिंह रूप धार करके जब नारायण ने संहारा था, यह निश्चय होता है मन को, निर्तो मुझसे दूर नहीं। वह सागर में गोता खाना है, पद पाद है मन दूर नहीं। यदि यह सच है और जगत के स्वामी ने यदि अवतार ले लिया है, तो मैं अवश्य ही उनसे पैर बढ़ाऊंगा और अपने श्राप का अंत उनके ही हाथों करवाऊंगा। शरीर तामसी है, इससे भजन और कीर्तन नहीं होता है। मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा? आखिर इसका क्या उपाय है? वैर भाव कैसे बढ़ाया? अब
कपट का भेष बनाकर जाऊं और सीता का हरण कर, परंतु यह कार्य मैं अकेला नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे किसी चतुर चालाक के सहायक की जरूरत है। ऐसा कौन हो सकता है जो मेरी सहायता करे? मारी निसंदेह बहुत बड़ा बहादुर है, दिलेर है, होशियार है, कपट का ज्ञाता है और मेरी आज्ञा का पालन करता भी है। मैं अभी जाता हूँ और उसे अपना दिली मुद्रा बनाता हूँ। छल से, कपट से, फरेब से उस पूरे तक को उड़ाता हूँ। यद्यपि मैं स्वयं मरने बहुत ही खा बनाया था, लेकिन एक बार फिर अपना मुकसद आज मैं